भैया ये मेरा फोन है और ये कुछ पैसे हैं। देखो आप यहाँ से कहीं पर भी मत जाना, मैं अभी आपसे अपना फोन लेकर जाऊंगी। इतने सारे पैसे, इतना महंगा फोन। अबे ओ भिखारी, किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा तूने? नहीं भैया, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। अबे अभी अभी इधर से आई थी, पिंक कलर की कुर्ती डाली थी उसने, ध्यान से याद कर, देखा होगा तूने। नहीं साहब, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। भाई लगता वो इधर नहीं है, चलो उधर जाकर ढूंढते हैं। आज तो मजा आएगा। इतने सारे पैसे, इतना महंगा फोन। अरे इस फोन में तो किसी लड़की की गंदी फोटोज है, शायद तभी वो मैडम मुझे कह रही थी कि उनके पीछे कोई पड़ा है। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसे ये फोन नहीं रख सकता। मैंने उसे बोला भी था कि यहाँ से कहीं मत जाना, अब मैं क्या करूँगी? मेरा फोन भी उसके पास है और वो बहुत जरूरी था, मैं क्या करूँ अब? कहाँ भाग के जाएगी? छोड़ो मुझे। वो शानी समझती है अपने आप को, तो तुझे पता नहीं है कि हम लोग कौन है, इसलिए हमारा फोन चोरी करके भागेगी। देख चुपचाप वो फोन वापस कर दे, वरना तेरे साथ जो होगा ना सारी जिंदगी याद रखेगी तू। मैं सच बोल रही हूँ, वो फोन मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है वो फोन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बे जरा शानी समझने की ना कोशिश मत कर, अभी थोड़ी देर पहले तू मेरी जेब से फोन चोरी करके भागी है और बोल रही है कि फोन तेरे पास नहीं है। चुपचाप वो फोन दे दे, फोन मेरे लिए बहुत जरूरी है, दे फोन। मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस भिखारी के पास यहाँ पर अपना फोन छोड़ कर गई थी और जब मैं यहाँ पर आई वो यहाँ पे था ही नहीं, मैं क्या करूँ? सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लगता तू ऐसे नहीं मानेगी, हम तेरे साथ जो मैं करूंगा ना तू भी सारी जिंदगी याद रखेगी। भाई लगता है इसको भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा और इसकी बहन की तरह ना इसके भी गंदी फोटोज क्लिक करके वायरल करनी पड़ेगी। चल इसको लेके चलते हैं। पीछे हट जा वरना मैं चक्कू तुम्हें मार दूंगा। अबे ओए भिखारी कहीं के, ये चक्कू वक्कू से ना हम लोग डरने वाले नहीं है, रोज का काम है हमारा ये, समझा? चुपचाप यहाँ से निकल जा और ये तेरा मैटर नहीं है, बीच में बनने की कोशिश मत करना ना, इसके साथ साथ तेरे को भी टपका देंगे। मरने से डरता कौन है? मुझे पता है कि तुम इस लड़की के साथ गलत कर रहे हो। मैंने वो फोन देख लिया, उस फोन में किसी गंदी तस्वीर है ना, तुम वही चलाना चाहते हो ना? बोलो बोलो। मैंने तभी पुलिस वालों को भी फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ ही रहे होंगे। चले जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। भाई मेरे पास सुन, इसने पुलिस को फोन कर दिया, काम का फंस जाएंगे अगर पुलिस आ गई तो। फोन हम लोग बाद में निकलवा लेंगे, अभी निकल यहाँ से, तो बाद में देख लेंगे। थैंक यू सो मच भैया, अगर आज आप टाइम पर ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच कि आपने पुलिस को फोन कर दिया, अब वो लोग इनको जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। मैडम मैंने कोई पुलिस को फोन नहीं किया है, मैंने ये सब झूठ बोला ताकि वो गुंडे यहाँ से भाग जाए, वरना वो आपके साथ साथ मुझे भी मार देते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। हाँ मैडम, ये लीजिए आपका फोन और आपके पैसे। अरे भैया मुझे तो लगा था कि आप मेरा फोन चोरी करके यहाँ से भाग गए हो, लेकिन आपने तो टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच, और ये पैसे प्लीज आप ही रख लो, आपने मेरी जान बचाई है, आप ही रख लो। मैडम लेकिन आप सच कह रही हैं, मेरे मन में सच में लालच आ गया था, मैं आपका फोन और पैसे लेके भाग गया था, लेकिन तभी मैंने आपका फोन खोल के देखा
उसमें किसी लड़की की गंदी गंदी फोटोज थी। फिर मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं तभी आपको यहाँ पे फ़ोन वापस करने आया था। फिर मैंने ये सब देखा, मैंने आपकी मदद करने की सोची। मैडम ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये आपके पैसे हैं, आप ही रखिए। नहीं नहीं भैया, आप इन पैसों को रखिए, आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।